अस्सलामुअलैकुम भाई अगैन, नाजिश मलंग आपके साथ सेकेंड डे इन इस्लामाबाद। जिस तरीके से छारू वाटरफॉल जो है ना वो बलूचिस्तान के सर का ताज है, मुझे लगता है अम्ब्रेला वाटरफॉल जो है वो इस्लामाबाद के सर का ताज होगा। अभी मैं मौजूद हूँ उसके रास्ते में, यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो जाकर अम्ब्रेला वाटरफॉल आएगा और मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत वाटरफॉल। चले भाई हम पहुंच गए अम्ब्रेला वाटरफॉल। अच्छा यहाँ पर जो है बहजाद और मूसा जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, मैं उनको ज्वाइन करने वाली हूँ और अली भाई और हमारे जो एक और भाई हैं वो अभी नाश्ता करके नीचे आएंगे। तो उनका ये कहना है कि हम लोग चूँकि यहाँ के नए हैं तो वो हम लोगों की स्पीड को मैच कर लेंगे। इन द मीन वाइल हम अपना ट्रैक शूट करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग तो अमेजन चलेंगे नीचे। चलें कि वो लोग गलत साबित हो जाएंगे, हम उनसे ट्रैक से पहले पहुंच जाएंगे, हम रास्ते में ट्रैक नहीं कर पाएंगे। क्या ख्याल है आपका, चल के देखते हैं। अच्छा देखिए एक बहजाद एक स्टिक लेके चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना स्टिक लेकर चलना आपको पड़ता है। वजह ये कि थोड़ा सा पथरीला रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, तो यहाँ पर आपको स्टिक लेके मूव करना होता है ताकि आप जो है वो इजीली पहुंच सके। देखिए यहाँ से ना हाल में थोड़ा सा स्लिप हो गई तो थोड़ा सा आपको क्रॉस रखना पड़ेगा पैर, ऐसे ऐसे करके आएंगे तो आप जो है वो अपना पैर मैच कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके उतरें, सीधे उतरेंगे तो शायद आप थोड़ा सा आप स्लिप हो सकता है। ठीक है, ये देखिए पर डंडी सी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। जो थोड़ा स्लिप हुई थी ना मैं, उससे पहले मुझे लग रहा था कि हम ट्रैक कर लेंगे सही से, लेकिन जब स्लिप हुई हो ना तो मुझे लग गया है कि ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट, हार नहीं मानेंगे। यहाँ पर मूसा जो है माशाल्लाह से ट्रैक कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मूसा जो है ना वॉक कर रहा है, ही कैन बी अ नेक्स्ट ट्रैकर और मुझे लगता है कि वो यंगेस्ट माउंटेनियर और यंगेस्ट ट्रैकर जरूर बन सकता है। उसकी माँ तो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकी लेकिन वो कर लेगा इंशाल्लाह। चले देखिए इधर, ये देखिए ये देखें, ये एक बहुत गलत बात है। अगर आप किसी भी तफरी मकाम पे आते हैं ना, प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, कचरा अपने साथ लेके जाएं। जो भी कचरा फैलाते हैं एक थैला लेकर आएं, अगर उसके अंदर अपने बॉटल्स या जो भी आप खा रहे हैं, कोई चिप्स वगैरह जो भी है, तो वो साथ तो लेकर जाएं ना। ये इस तरीके से आप किसी जगह पर कैसे कचरा फैला के जा सकते हैं, किसी ऐसी कुदरती खूबसूरत जगह को आप ख़राब कर रहे हैं इस तरीके से। प्लीज़ गाइस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, कंटिन्यू सफ़र करते चलें। मूसा ने बहजाद का डंडा ले लिया और बहजाद जो है उन्होंने अलग से एक स्टिक फिर किराए पे लिए। अच्छा इस स्टिक का किराया यहाँ से जो है वो 50 रुपये है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ना काशानी बड़ेला ओए नीचे से ऊपर लेकर आने के लिए घोड़े की सहूलत भी है, तो घोड़े पे सवारी करके भी आप ऊपर आ सकते हैं। ये नीचे से 1000 रुपये देकर आ रहे हैं ऊपर,
चले भाई, ये जो है ना वो घोड़े की सवारी आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, 1000 रुपये देकर आ रहा है ऊपर, तो 50 रुपये की स्टिक सही है। हम ऐसे ही चढ़ जाएंगे, 1000 रुपये का घोड़ा थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे। चले भाई, यहाँ से एटलीस्ट आपको थोड़ी सी होप नज़र आएगी। ये है अम्ब्रेला वाटरफॉल और ये पूरा वाटरफॉल यहाँ तक आ रहा है, चल रहा है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चलो आप थोड़ी उम्मीद है कि आप नीचे उतरेंगे तो आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? सुहेल। सुहेल भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पानी बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पानी बेच रहे हैं। सुहेल भाई, मेरे चैनल का नाम है नाजिश मलंग। हाँ ठीक है, चले भाई अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, वहाँ तक बहजाद मूसा वगैरह जो है नीचे चले गए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा रास्ता स्लिपरी होगा, तो मैं थोड़ा सा एहतियात बरतूंगी दोबारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता है। ये ब्रांच, ये देखिए ये ब्रांच नज़र आ रही है, ये ब्रांच करना है मुझे। ये देखिए यहाँ से बहजाद जो है वो नीचे उतर रहे हैं, ये पूरी फैमिली नीचे उतर रही है, और उस तरफ जो है वह आबशार है, देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल कहाँ से आ रहे हैं आप? इस्लामाबाद से। ये मैं आपको बहुत ऊपर से नोटिस कर रही थी, माशाल्लाह से आपको देख के ना हम लोगों को हिम्मत मिली है, हम कराची से आए और मुझे जो है वो मुझे ये नहीं पता था कि अम्ब्रेला वाटरफॉल की इतनी ट्रैकिंग होती है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह से आपको देख कर, और बड़ी हिम्मत हुई है कि भाई हम जो है ना वो हमें तो शर्म आनी चाहिए, हम जो है वो इतना वो कर रहे हैं, तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। चले भाई यहाँ से मैं आपको काफ़ी दूर से अंकल को दिखाई थी ना, ये देखिए अंकल है। अंकल आपका नाम क्या है? मशीर महमूद अंकल। नहीं अंकल, आप पहले भी आए यहाँ पर? पहली दफ़ा आके इतनी ट्रैकिंग कर रहे हैं। मूसा देखिए पूरे रास्ते जो है ना वो मूसा आगे आगे था और मैं पीछे पीछे थी, अब मूसा और मैं साथ हैं, है ना मूसा, हम दोनों साथ साथ है ना। ये है मेरा ट्रैकिंग पार्टनर जो कि थोड़ा सा आगे आगे था, और मूसा जो है उसको फिर से अपनी स्टिक दिख गई है और मूसा अपनी स्टिक उठा रहा है। अच्छा यहाँ पे आप जो है वो थोड़ा छाँव बैठ सकते हैं, यहाँ पे एक और फैसिलिटी ये है कि यहाँ पर चप्पलें जो है वो मैसर हैं, आप जो है वो अपने जूते उतारें आगे जो है वो चप्पलें पहन के आप जा सकते हैं, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है ताकि आपके जूते गीले ना हो और आपको अच्छा ना करना पड़े, वापसी आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, और आपको आबशार के करीब से शॉल सीखा, मैंने यहाँ पे लिया था छोटा सा ब्रेक ताकि हम यहाँ पे खाना खा लें और चप्पल पहन लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप अपने जूते उतार के चप्पल पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है, जूते वूते गीले नहीं होंगे, वापस जाने में इजी होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप पानी का भाव बहुत ज़्यादा है, ये देखिए पानी का भाव बहुत ज़्यादा है और आप स्टिक के सहारे ही जा रहे हैं आगे। चले यहाँ पे हो गया है प्रेशर का, मैं वो उधर से क्रॉस। Thank you.
जिनके साथ आए हैं। अली भाई आप बताएं जल्दी से कि जो है दूसरे लोग अगर आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, इस्लामाबाद से सबसे नज़दीक ट्रेन पॉइंट है और इसके अलावा यहाँ आके आपको पता ही है क्या सीन चल रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं अली भाई कि क्या जो है वो चार्जेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कैसे गाड़ियाँ फ्राहम करते हैं ताकि जो है ना लोग अपनी फैमिली के साथ आसानी आ सकें? बिल्कुल ऐसे ही है, जो करोला है उसके 12 से 14,000 हम चार्ज करते हैं और जो बड़ी वैन है 7 सीटर उसके 15,000 और फिर उससे बड़ी हमारे पास ऑप्शन होता है 12 सीटर तो उसके 20,000 हम लोग चार्ज करते हैं। सॉरी कंप्लीट यहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ से फिर वापस इस्लामाबाद। फिलहाल तो वहाँ से उधर से घूम के आए हैं। हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर जाना आसान है, ऊपर से नीचे आना अभी थोड़ी सी समझ लगी। अच्छा तो ये मुझे पता, नीचे से ऊपर जाना आसान है यहाँ से? जी नीचे से ऊपर जाना आसान है, जस्ट आपको आपने रोप को पकड़ना होता है। ओके, थोड़ी सी ऊपर से नीचे आपको हाथ से जो है ना वो क्रैश करते हैं। ओ ये मजाक है ना, आपको ऊपर से नीचे आके दिखा रहे हैं, ये शॉर्टकट है जो अली भाई थोड़ी देर पहले आप जो है ना अभी करके आ चुके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये यहाँ के मकामी लोग ही ज़्यादा आराम से कर सकते हैं, आप ये एडवेंचर ना कीजिएगा क्योंकि ये मैं दिखा तो रही हूँ लेकिन मुश्किल हो जाएगी आखिर में, फिर आप लोग मुझे बददुआएं देंगे। चले आए अब हम मेन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। चलिए आते हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं और ये है मेन पॉइंट अम्ब्रेला वाटरफॉल। हम यहाँ पे आ गए और ये देख रहे हैं आप पूरा बैक साइड। यहाँ से बच गई। ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम आए हैं और यहाँ से हम बैठ के आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? राहुल पिंडी से आए हैं। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? पहली दफा आए हैं? अरे आप पिंडी में रहते हैं, पहली दफा आए हैं? मिला ये ज्यादा आप लोगों के पास इतना अच्छा पॉइंट है, आप लोगों को तो आना चाहिए, हम कराची से आए हैं। आपका नाम क्या है? साजिद। साजिद बहुत शुक्रिया साजिद भाई। चले भाई हम यहाँ पे पहुँचे मजीद नज़ारे दिखाने के लिए, ये देखो करीब। लैम्बो देखिए आपने, ये देखिए इतने करीब से
ये रैम्बो मुझे देखने को मिली आप माशाल्लाह होगा। यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पानी है, वहाँ से जाएंगे वापस औकात में रह के सीढ़ियों से चढ़ के। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ वाटरफॉल। इतनी दूर से मैं आप लोगों से मिलने आई अपने चश्मों से, और यार अल्लाह हाफिज़ कहने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चले वापस यहाँ से जाएंगे, यहाँ यहाँ से यहाँ से आपके मेरे पास सीढ़ी पकड़े जाने ऊपर नहीं। चले अब तो चले आऊंगे आराम से, पक्की बात है इंशाल्लाह। चले बिना आखिर पानी से होती हुई मैं आ गई बाहर, और चले मामू अब हमने जो है वो वाटरफॉल की तरफ काफ़ी के एंजॉय। मूसा की तबीयत चूँकि थोड़ी सी मूसा को खांसी हो गई थी और पानी ठंडा था, मूसा को हमने एहतियाती तदबीर के तौर पे पानी में नहीं उतारा, वो वाले पानी में स्पेशली। ठीक है चले भाई, यहाँ से हम आपसे लेंगे इजाज़त। पूरा अमरीला वाटरफॉल मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट तक हमें लेके गए ये लोग जहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते, लेकिन हम मैं आपको लेके गई और मैंने आपको अपना यहाँ से शूट भी पूरा करके दिखाया, और कोशिश मैंने पूरी की कि यार आपको बेहतरीन से बेहतरीन भी मिला। टिल माई नेक्स्ट व्लॉग, लव यू।